सारयां नूं सति श्री अकाल नमस्ते। जितने भी मोबाइल जहां पर है सभी मेरी तरफ कर ले, आपका बेनिफिट होगा इससे। जो चीज आज आपको 5 या 10 रुपए में मिलती है, जो सब्जी आज मंडी में 2-3 रुपए 5 रुपए में बिक रही है, वो आप तरफ जब आती है, आज आती है तो 25-30 रुपए के लोग रेडी वाला फड़ी वाला लेता है ना। तो आने वाले समय में ये कम से कम 150-200 रुपए किलो हो जाएगी। मगर ये कल को काले कानून लग भी जाते हैं तो पंजाब का उतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जमीन है। मुझे सिर्फ एक नून नमक और एक चाय पत्ती खरीदनी पड़ेगी, मैं खेत वाला हूं, बाकी सब चीजें मैं अपने खेत में उगा लूंगा। आप कहां उगाओगे? शहर जो शहर के वासी हैं, जिनके पास जमीनें नहीं, वो कहां उगाएंगे? हमारा किला 2 किला जितना बिकता है बेच के हम भी विदेश भाग जाएंगे। भाई साहब आप कहां भागोगे? जेकर असी अपनी आई ते आ जी, असी दिल्ली अज हिला दिए। किसान ग्राहक मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान ग्राहक मजदूर एकता जिंदाबाद। बीते कुछ दिन पहला एक किसान दी जहाज विच किसानी संघर्ष दे हक च प्रचार करदियां दी एक वीडियो खूब वायरल हुई सी। दस दिए कि हुण उसे किसान वलों आगरे विखे ताजमहल पहुंच के किसानी संघर्ष दे हक विच प्रचार कीता जा रहा है, ते उत्थे मौजूद लोकां नूं खेती कानूनां दे प्रति जागरूक कीता जा रहा है। आओ तुहानू वी दिखाउने आ ए वीडियो। जितने भी यहां पर भाई बंधु और मेरी बहनें आई हैं, बच्चे आए हैं, आप सभी को मेरी तरफ से, एक पंजाबी की तरफ से सारयां नूं सति श्री अकाल नमस्ते। जितने भी मोबाइल जहां पर है सभी मेरी तरफ कर ले, आपका बेनिफिट होगा इससे। और दूसरी बात, आप लोग को सभी को मालूम होगा कि पंजाब में जो एक पंजाब के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग आज किसानों के लिए, खेती बिलों के लिए दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं। मालूम है ना, सभी को मालूम है संघर्ष कर रहे हैं। आप लोगों को लगता होगा किसान अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है या फिर उसका कोई अपना निजी फायदा होगा। मैं आपको बताने आया हूँ यहाँ आगरा ताजमहल के सामने कि हमारा निजी फैसला नहीं, हमारा निजी स्वार्थ नहीं है कि किसान की जमीन जाएगी। इससे क्या होगा, ये अगर ये काले कानून आ गए तो सभी का नुकसान होगा, चाहे वो खेती के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए। मगर हम सब अन्न तो खाते हैं ना, आप सभी को मालूम है कि जो कॉर्पोरेट कराने होते हैं ये हमेशा महंगी चीज देते हैं, सभी को महंगी से महंगी चीज बनाकर देते हैं, 1 रुपए की चीज को 50 में कर देते हैं। जो चीज आज आपको 5 या 10 रुपए में मिलती है, जो सब्जी आज मंडी में 2-3 रुपए 5 रुपए में बिक रही है, वो आप तरफ जब आती है, आज आती है तो 25-30 रुपए के लोग रेडी वाला फड़ी वाला लेता है ना। तो आने वाले समय में ये कम से कम 150-200 रुपए किलो हो जाएगी, ये समझ लो। अब इससे भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि 150-200 रुपए किलो तो आज भी जो शोरूम बने हुए हैं इनके, जो मॉल बने हुए हैं, उनमें आज भी 150-200 रुपए किलो बिकती है इनकी सब्जी। तो जब इनके हाथ में ही सारी खेती आ जाएगी, जब इनके ये कॉर्पोरेटर घराने वाले सारी खेती अपने हाथ में कर लेंगे जमीन, तो ये जो सब्जी बाजी है ये रेडी फड़ी पे 150-200 रुपए में वो पैक करके देंगे कि आप इस कम से कम 150 रुपए में आपने बेचनी है, रेडी फड़ी वाला लेके आएगा। तो जब ये शोरूम में जो रख के बेचेंगे तो 5-5, 6-6 सौ रुपए 1000-1000 रुपए किलो मिलेगी। भाई साहब सब चीजें तो प्राइवेट हो रही है, जब प्राइवेट हो रही है तो नौकरी तो 10-10 हजार 12-12 हजार तनख्वाह पर रख रहे हैं लोग, तो हमारा तो गुजारा अब नहीं हो रहा, तो 10-12 हजार वाले का 1000-500 रुपए किलो सब्जी लेकर कहाँ गुजारा हो जाएगा। ये बात समझ ले, ये जो संघर्ष है वो केवल किसानों का नहीं है, वो संघर्ष आप सब ग्राहक लोगों का भी है। तो आप ये अगर उस संघर्ष में नहीं जा सकते, कोई बात नहीं भाई,
मगर जहां पर भी बैठे हैं उसके लिए तो आप हमारी सहयोग दे सकते हैं, आप हमारा साथ दे सकते हैं कि किसान सही बोल रहे हैं। मैं आपको पंजाब की पोजीशन का सबको मालूम होगा, मैं बता देता हूं, पंजाब एक खुशहाल सूबा है, वहां पर एका भाईचारा बहुत ज्यादा है, हर गांव में हर घर घर का बच्चा है जो वो विदेशों में सेट है, किसी के पास किला दो किला चार किला जितना भी खेती है कम से कम वो है। मगर ये कल को काले कानून लग भी जाते हैं तो पंजाब का उतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जमीन है। मुझे सिर्फ एक नून नमक और एक चाय पत्ती खरीदनी पड़ेगी, मैं खेत वाला हूं, बाकी सब चीजें मैं अपने खेत में उगा लूंगा। आप कहां उगाओगे, शहर जो शहर के वासी हैं जिनके पास जमीन है नहीं वो कहां उगाएंगे, ये सोचो। इसलिए ये संघर्ष ग्राहक का है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। हमारे बच्चे विदेशों में बैठे हैं, हर घर का बच्चा देशों विदेशों में बसा हुआ, आपको मालूम है कि पंजाबी सबसे ज्यादा कनेडा अमेरिका बैठे हैं, तो हमारे बच्चे हमें पैसे भेज देंगे कल को जी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, हम नहीं जाएंगे तो हम भी उनके पीछे चल जाएंगे। हम तो जा ही रहे हैं, पहले ही कूच कर रहे हैं, जहां हमारे कॉलेजों में दाखिले नहीं हो रहे, हमारे बच्चे आईलेट करके विदेश जा रहे हैं, हमारा किला दो किला जितना बिकता है बेच के हम भी विदेश भाग जाएंगे। भाई साहब आप कहां भागोगे, जिनों के मन में है ये समझ लो, ये ग्राहक का कल्ले अपने किसान का मुद्दा नहीं, ये आपकी आप सबका जो ग्राहक है उसका भी मुद्दा है, हम आपके लिए लड़ रहे हैं। तो आज जहां भी बैठे हैं वहां हमारी आवाज को उठाएं, ताकि जो जो ये काले कानून है ये सच्ची वापस हो जाए। हमें आतंकवादी बोला जा रहा है, है? हमारे हाथ में आपने कभी 1.5 महीने से हो गया हमें दिल्ली बैठे को, है एक भी आपने हिंसा देखी, जितनी भी शैतानी करते हैं वो लोग हमारे बीच आकर शैतानी करने की कोशिश करते हैं, वो जाओ किसान अनपढ़ है उनसे कुछ भी उगला लो बुला लो बोल देगा, है मगर हमें मालूम है कौन से गदार चैनल है जो हमारे देश को सिर्फ बर्बादी हिंदू धर्म मुसलमान ये जिसमें बांटना चाहते हैं, हमें अब कोई भी बांटेगा नहीं, बांट नहीं सकता, हम उनको इंटरव्यू नहीं देते है, फिर वो क्या करते हैं हमारे बीच बचती हैं लड़कियां, हमें ऐसे ऐसे पकड़ती हैं भी टीवी वाला इस तरफ से शूट कर लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि इसने बाबे ने शायद उसको हाथ लगा दिया, फिर वो रड़ा पाएगी, रौला पाऊंगी हो बहुत, पर कोई सुनता ही नहीं क्योंकि इसी कुछ कह ही नहीं, कोई उन्हें हो नहीं आ, असं कहने भैन मेरी है हाथ जोड़ दे तेरे मूहे तू इतों जा, सानू नहीं लोड़ तेरी, तेरी न्यूज सानू पता भी तू की बुलानी आ, तै की बुलानी है सानू सारा पता, इस करके असं उन्होंने इंटरव्यू नहीं देंगे, फिर वो अपने वालों कोशिशा करते हैं उत्थे गलत बंदे बाड़ बाड़ के भी असं उन्होंने किसी तरीके जरा भी आ अंदोलन इन खत्म किमें कर दी, इन बर्बाद किमें कर दी, उन्होंने कोशिश आ, पर जिमें कहते हैं असं उत्थे उस पातशाह की कृपा नाल बैठे हाँ, उन्होंने सानू निम्रता सादगी भाईचारक जी सांझ सानू उन्होंने दत्ती है बख्शी आ, सानू उपरों मालक की कृपा साढ़े ते असी किसी भी तरीके का, जबकि तुहानू सारयां नू पता भी सूरमा जिहड़े पंजाबी हुंदे ने किड्डे दलेर लोग हुंदे ने, जेकर असी अपनी आई ते आ जाईए असी दिल्ली अज हिला दईए पर ना भरा मेरे ओ क्यों दिल्ली दे विच बैठे भी साडे लोग ने जिहड़े लीडर ने साडे ने, एक इहनू ऐ लगी जांदा भी सिर्फ बीजेपी दा भी मैं कल्ला लीडर सर बीजेपी दा, ओ यार तू सारे देशां दा भी लीडर बन, कल्ले दा ना बन, क्योंकि तू कल्ले दा लीडर नहीं बीजेपी दा लीडर नहीं है, तेनू सब ने एक एक करके वोट पाई आ, तू सब दा लीडर बन, तू साडी भी सुन, तू कल्ला ही बीजेपी दा लीडर बन के बह गया यार, सारे लखां लोग करोड़ां लोग, कल तुसीं देखिया होना ट्रैक्टरां दा सारा प्रदर्शन होया, वीडियो तो तुहाडे तक पहुंची होणगे कि नहीं पहुंची होणगे आगरे वालिआं कोल, ते जाके खबर तुसी इत्थे आगरे दे हो जां बाहरों भी आए होंगे, क्योंकि आगरे वाले हुंदे इत्थे घूमन आउंदे, इहदा मतलब तुसी सारे जने अलग अलग स्टेटां तों आए होंगे हो, ते तुसी वीडियो देखिया होना साढ़े लखां ट्रैक्टर दिल्ली दे आले दुआले घूमे ने, जे अगर 26 जनवरी नूं इन्हां ने आह काला कानून 26 जनवरी तक इन्हां ने साढ़े आह काले कानून बिल वापस नहीं ले, MSP ते गरंटी नहीं दित्ती भी असीं हाँ MSP दा कानून बनाउने आ, और नाल MSP ते नाल MRP भी तय करना, 7-2 रुपए की चीज़ खरीद ली 4 रुपए की चीज़ खरीद ली पर तुहाडे तक वह 80-80 रुपए की 100-100 रुपए की चीज़, ये कित्थे दा इंसाफ होया भी, ये की हो गया क्यों नहीं बाज उठाते,
साढ़े कोलों हुण उन्होंने मक्की खरीदी आ, हर हर स्टेट तो मक्की खरीदी गई है। वो मक्की 800-900 रुपए किलो से ज्यादा किसी ने नहीं खरीदी, पर कहीं से देख के जिस भी चीज में मक्की डाली है वो चीज 1000 रुपए क्विंटल है, 800 रुपए वाली 10-10 हजार रुपए क्विंटल है वो चीज जिसमें मक्की डाल दी, और 45 रुपए का आटा है, 8-9 रुपए किलो वाली मक्की, उसमें 1 रुपया पिहाई, 1 रुपया ट्रांसपोर्ट, 2 रुपये खर्चे आए थे, 45 रुपए किलो मक्की का आटा बिक रहा है जो मक्की का आटा बरतते हैं। तो जिस चीज में मक्की वैसे क्विंटलों के हिसाब से डाली है वो 10,000 रुपए क्विंटल बेच रहे हैं, जैसे खाद और फीड होगी जिसे हमें दाना कहते हैं, चारा कहते हैं, या किसी और चीजों में डालते हैं, वो हमें मिलती है, वो हमें जो मक्की का बीज मिलता है वो ये व्यापारी लोगों को बनाते हैं, उसको पैक करके बेचते हैं, हमें बीज मिलता है। आप यकीन मानोगे हमारा 800 रुपए का मक्की का, उसको पैक करके पैकेज में दे के 30,000 रुपए किलो, 30,000 रुपए क्विंटल, 30,000 रुपए मक्की का बीज दे रहा है वो। हाँ, 4 किलो की थैली होती है, हमें 1 किले में 8 किलो मक्की डालनी होती है, बोनी होती है, आप यकीन में कितने की होगी वो एक मक्की? 3200 रुपए की, 3200 का 8 किलो मक्की हमें 3200 रुपए की मिली है, मैंने जो 1 किले में डालनी थी मक्की, 3200 की 8 किलो मक्की। भैया बहुत लूटपाट है, ऐसे है। हमारा जो आलू है 1 किलो, हमसे पिछले साल, हम इस बार की बात नहीं करता, मैं पिछले साल की बात बताता हूँ, पिछले साल जो हमारे खेतों से आलू उठाया गया 2-3 रुपए किलो उठाया गया था, मगर पूरा साल कितने में बिका? 40-100 रुपए तक गया था आलू है। तो हमारे किसान ने जिस दिन दिया इतना ब्याज, इतना हो आलू 1-2 रुपए, तो 1-10-20 पैसे का एक आलू होता है, इतना का आलू, उससे एक पैकेट बन जाता है 20 रुपए का चिप्स में। भाई साहब समझ लो, ये ग्राहक जाग जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं ये आप सबके लिए भी मुश्किल है। आप जहां से भी हैं, जहां भी आप जाएं, हमारे किसानों के लिए हक में आप आवाज उठाएं, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ खड़े हुए, तो हम ये चाहते हैं। एक हम सारे जाने एक नारा मारेंगे, आप हमारे नारे का जवाब देना, किसान ग्राहक मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान ग्राहक मजदूर एकता जिंदाबाद, बोले सोनिया साहब, धन्यवाद जी, बहुत बहुत थैंक यू जी 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 जी, बड़ा जल्द वीडियो चल रहा है, आ जाओ पाजी का नाम की है, बलवीर सिंह मुश्का, बलवीर सिंह, बलवीर सिंह, बलवीर सिंह, क्या बात है, क्या बात है, बस प्रचार करें आज, वीडियो अपने अपने पेज पे जरूर पाओ, बस फेसबुक पे डाल देना, पायल अपन लाइव गए पाजी, अच्छा मैं लाइव गए फिर तो और बढ़िया, हम लोग आप जहां गए हां जी 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 अहमदाबाद जो हम चाहते हैं, तो जा जा आप मतलब जय या आप जहां से भी आए हैं, जहां जहां भी आप चाहे वहां हमारा प्रचार जी, बिल्कुल ठीक है, हम जय चाहते हैं, हां जी सोशल मीडिया पे कर दिए, ओके ओके, आज बता आओ आओ जा मेरे वाले मोबाइल पर आ जा, आज होगी, हां आ जाओ जी, थैंक यू, लव यू, थैंक यू, केडी जगह तू एमपी से हूं, एमपी से, ठीक है, सीएम के ग्राम में आंदोलन, अच्छा तू ही कीता दी आज, ये वीडियो पे लगा, चल ठीक है, शुक्रिया, रिपोर्ट रंगला टीवी।